हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल। लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 6, द कीबोर्ड। लेट्स सी हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था कि कीबोर्ड में अल्फाबेट कीज होती है, नंबर कीज होती है एंड स्पेशल कीज होती है। हम अल्फाबेट की का यूज कैसे करते हैं, हम अल्फाबेट की का यूज हमारे इंग्लिश अल्फाबेट इट मीन्स की ए टू जेड राइट डाउन करने के लिए या फिर कोई वर्ड्स, लेटर्स या सेंटेंस राइट डाउन करने के लिए अल्फाबेट कीज का यूज करते हैं। देर आर 26 अल्फाबेट कीज ऑन आवर कीबोर्ड। ओके, सेकेंड हमने सीखा था नंबर कीज। हमारे कीबोर्ड में 0 to 9 नंबर कीज होती है। नंबर कीज अल्फाबेट की के अबो साइड में होती है। हमारे कीबोर्ड में कई सारे कीबोर्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें राइट साइड में एक अलग से न्यूमेरिक कीपैड होता है। नंबर कीज की मदद से हम कोई भी न्यूमेरिक नंबर टाइप कर सकते हैं। देन आफ्टर हमने सीखा था स्पेशल कीज। हमने कौन कौन सी स्पेशल कीज सीखी थी। फर्स्ट वन हमने सीखा था स्पेस बार। स्पेस बार हमारे कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की है। यूजिंग स्पेस बार हम किसी भी वर्ड, लेटर या नंबर के बिटवीन ब्लैंक स्पेस ऐड कर सकते हैं। इट मींस कि अगर हम कुछ भी टाइप कर रहे हो और हमें स्पेस इंसर्ट करनी है तो यूजिंग स्पेस बार की हम स्पेस इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंड स्पेशल की हमने सीखी थी शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज करके हम किसी भी लेटर को कैपिटल में राइट डाउन कर सकते हैं। इट मींस कि अगर हमें किसी वर्ड सेंटेंस में अगर कोई भी लेटर कैपिटल में राइट डाउन करना हो तो सिंपली फर्स्ट हम शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे। देन आफ्टर किसी भी लेटर को अगर हम टाइप करेंगे तो वो लेटर हमारा कैपिटल में टाइप हो जाएगा। तो शिफ्ट की मदद से हम हमारे लेटर्स को कैपिटल में टाइप कर सकते हैं। सेकेंड हमने सीखा था कैप्स लॉक की। जैसे शिफ्ट की मदद से हम हमारा लेटर कैपिटल में राइट डाउन कर सकते हैं, सिमिलरली वैसे ही कैप्स लॉक की मदद से भी हम हमारे लेटर्स, वर्ड्स या सेंटेंस को कैपिटल में राइट डाउन कर सकते हैं। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि शिफ्ट की मदद से हम वही वर्ड या लेटर या फिर कोई सेंटेंस कैपिटल में राइट डाउन कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इट मींस कि अगर हमें कोई भी वर्ड राइट डाउन करना है और उसका फर्स्ट लेटर ही सिर्फ कैपिटल में चाहिए तो सिंपली हम शिफ्ट की को प्रेस करके उसका फर्स्ट लेटर टाइप कर लेंगे। देन आफ्टर जो भी हम टाइप करेंगे विदाउट प्रेसिंग शिफ्ट की वो सारा हमारा स्मॉल लेटर में टाइप हो जाएगा। एंड इन कैप्स लॉक की जब हम कैप्स लॉक की यूज कर रहे होते हैं तब हमारा सारा टाइपिंग इट मींस कि आफ्टर ऑन कैप्स लॉक की हम जो भी टाइप करेंगे वो सारा कुछ हमारा कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा। तो डिफरेंस क्या है, शिफ्ट की मदद से हम सिर्फ वही कैपिटल में राइट डाउन कर सकते हैं जो हमें कैपिटल लेटर्स में चाहिए एंड कैप्स लॉक की मदद से हमारी सारी टाइपिंग कैपिटल लेटर्स में होगी। ओके, देन आफ्टर एंटर की। यूजिंग एंटर की हम हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकते हैं। अगर हमें एक लाइन से नेक्स्ट लाइन में मूव करना है तो हम एंटर की मदद से मूव हो सकते हैं। देन आफ्टर एरो की, हमें हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर कहीं पर भी मूव होना है तो हम एरो की मदद से मूव हो सकते हैं। हमारे पास हमारे कीबोर्ड में 4 एरो कीज होती है। फर्स्ट वन अप एरो की, इट मींस कि अगर हमें हमारी स्क्रीन में अप साइड मूव होना है तो हम अप एरो की मदद से मूव हो सकते हैं। देन आफ्टर डाउन एरो की, अगर हमें डाउन में हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर मूव होना है तो हम यूज करेंगे डाउन एरो की। देन आफ्टर राइट एरो की एंड लेफ्ट एरो की। राइट एंड लेफ्ट एरो की का यूज करके हम हमारी स्क्रीन पर लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट मूव
हो सकते हैं। इट मीन्स कि अगर हमें हमारे स्क्रीन पर कहीं पर भी मूव होना है तो हम यूजिंग एरो की हमारी स्क्रीन में मूव हो सकते हैं, अप एंड डाउन एंड लेफ्ट टू राइट। ओके, देन आफ्टर हमने सीखी थी बैकस्पेस एंड डिलीट की। बैकस्पेस की का यूज हम कब करते हैं? जब हमने कुछ भी टाइप किया हो और हमें टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई है और हमारी मिस्टेक हमें इरेज करनी है, रिमूव करनी है, तब हम बैकस्पेस की का यूज करते हैं। बैकस्पेस की का यूज हम कहाँ पर करते हैं? अगर हमें हमारी कर्सर की लेफ्ट साइड में से कुछ भी इरेज करना हो तब हम बैकस्पेस की का यूज करके इरेज कर सकते हैं। वेरेज डिलीट की का यूज हम कहाँ पर करते हैं? जब हमें हमारी टाइपिंग में कर्सर की राइट साइड से कुछ भी इरेज करना हो तब हम डिलीट की का यूज करते हैं। बैकस्पेस एंड डिलीट दोनों का यूज सेम है, लेकिन यूजिंग बैकस्पेस की हम हमारी कर्सर की लेफ्ट साइड में से हमारे जो मिस्टेक है उसको इरेज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, एंड डिलीट की मदद से हम हमारी कर्सर की राइट साइड में से कुछ भी इरेज या रिमूव कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर हमने सीखा था सिंबल की। हम डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स की का यूज हमारी टाइपिंग में कर सकते हैं। जो हमारी कीबोर्ड की कीज है उसमें हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सिंबल की उसमें मार्क की हुई है। हम हमारी टाइपिंग में से किसी भी सिंबल की का यूज कर सकते हैं। ओके, जो अपर साइड की की है सिंबल की हमारी कीबोर्ड की कीज में, उसको टाइप करने के लिए फर्स्ट हम शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे, देन आफ्टर हम वो सिंबल की प्रेस करके वो सिंबल टाइप कर सकते हैं। और जो डाउन साइड है सिंबल्स हमारी कीबोर्ड की की में, उसको हम सिंपली वो की प्रेस करके टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि कोमा है, फुल स्टॉप है, स्लैश साइन है, ये सारी कीज है, उसको सिंपली हम की प्रेस करके टाइप कर सकते हैं। लेकिन जो एट द रेट साइन है, एक्सक्लेमिनेशन साइन है, हैश साइन है, डॉलर साइन है, ये जो सारे सिंबल्स है, अगर हमें उसे टाइप करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करके रखना पड़ेगा, देन आफ्टर हम उस सिंबल की को प्रेस करके हमारा सिंबल टाइप कर सकते हैं। तो हमारे चैप्टर्स में हमने हमारे कीबोर्ड के बारे में सीखा था, हमारी कीबोर्ड में कौन कौन सी की होती है और उसका हम क्या यूज कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर हम हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। लेट्स सी एक्सरसाइज। द नेम ऑफ सम ऑफ द कीज ऑन दिस कीबोर्ड आर मिसिंग। दिस कीज आर शेडेड इन येलो। राइट द मिसिंग नेम्स ऑन द कीज। यहाँ पर हमें हमारे कीबोर्ड की इमेज दी गई है, उसमें से जो येलो कलर से मार्क है वो की मिसिंग है। वहां पर कौन सी की होती है वो हमें यहाँ पर हमारे कीबोर्ड में राइट डाउन करना है। फर्स्ट आप देख सकते हो जो न्यूमेरिक डिजिट्स है 1 to 0 तक, उसमें राइट साइड में एक येलो की मार्क की हुई है। वहां पर हमारी कौन सी की होती है? वहां पर होती है बैकस्पेस की, जिसका यूज हम हमारी टाइपिंग में कुछ भी अगर हमें इरेज करना हो तब हम बैकस्पेस की का यूज करते हैं। और बैकस्पेस की के यूज से हम हमारी कर्सर की लेफ्ट साइड में जो भी है उसको इरेज कर सकते हैं। देन आफ्टर कौन सी की मिसिंग है? लेफ्ट साइड में एक की मिसिंग है। कौन सी की है वो? कैप्सलॉक की। कैप्सलॉक की मदद से हम हमारी सारी टाइपिंग कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हैं। सो हियर कैप्सलॉक की इज हियर। देन आफ्टर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सी की मिसिंग है? यहाँ पर हमारी एक अल्फाबेट की मिसिंग है, एंड दैट इज ए। देन आफ्टर यहाँ पर कौन सी की मिसिंग है? यहाँ पर भी हमारी अल्फाबेट की मिसिंग है, दैट इज ओ।
एंड इन लास्ट रो जो हमारे कीबोर्ड की लॉन्गेस्ट की है वो यहाँ पर मिसिंग है. वो कौन सी की है? इट इज स्पेस बार की. स्पेस बार की का यूज हम क्या करते हैं? स्पेस बार की का यूज हम जहां पर भी हमें स्पेस इंसर्ट करनी है वहां पर हम स्पेस बार की का यूज करते हैं. देन आफ्टर यहाँ पर एरो की मिसिंग है. कौन सी एरो की मिसिंग है? यहाँ पर डाउन एरो की मिसिंग है. डाउन एरो की का यूज हम कहाँ पर करते हैं? अगर हमें हमारी मॉनिटर स्क्रीन में डाउन साइड मूव होना है तो हम डाउन एरो की का यूज करते हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड द अल्फाबेट कीज आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो आंसर इज फॉल्स बिकॉज अल्फाबेट कीज आर नॉट अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. देन आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन, सम कीबोर्ड्स आर कनेक्टेड टू द सीपीयू विदाउट वायर्स. So your answer is true because some keyboards are connected through wires and some keyboards are connected without wires. Third one, all keyboards have one set of number keys only. So answer is false because some keyboards have another numeric keypad. Then after fourth question, the enter key is the longest key on the keyboard. So your answer is false because enter key is not longest key on the keyboard. Which key is longest key on the keyboard? Answer is spacebar key. Spacebar key is the longest key on the keyboard. Then after next question, fill in the blanks with words from the books. फर्स्ट ब्लैंक है, द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द ब्लैंक. हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड कहाँ पर कनेक्टेड होता है? द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द सीपीयू. सो योर आंसर इज सीपीयू. सेकेंड क्वेश्चन, राइटिंग बाय प्रेसिंग द कीज ऑफ द कीबोर्ड इज कॉल्ड. हम की प्रेस करके जो राइटिंग करते हैं कीबोर्ड में से की को प्रेस करके जो राइटिंग करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं टाइपिंग. सो योर आंसर इज टाइपिंग. राइटिंग बाय प्रेसिंग द की ऑफ द कीबोर्ड इज कॉल्ड टाइपिंग. थर्ड क्वेश्चन, यू यूज द अल्फाबेट की टू टाइप ब्लैंक ऑफ द ब्लैंक्स. हम अल्फाबेट की के यूज से क्या टाइप कर सकते हैं? Your answer is letters and alphabet because you use the alphabet key to type letters of the alphabets. हम alphabet key का use करके letters type कर सकते हैं. किसका letters type कर सकते हैं? Alphabets. Fourth one, you use the number key to type blank. हम number key का use करके क्या type कर सकते हैं? So your answer is numbers because we use number key to type numbers. Fifth one, the set of number key on the right side of the keyboard is called the blank keypad. जो हमारे कीबोर्ड के राइट साइड में सेट ऑफ नंबर कीज होती है उस कीबोर्ड को हम क्या कहते हैं? उस कीपैड को हम कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ द की. फर्स्ट वन, यू यूज मी टू गिव ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स. हम कौन सी की का यूज करके ब्लैंक स्पेसेस इंसर्ट कर सकते हैं? योर आंसर इज स्पेस बार की. सेकेंड वन, आई मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. विच की मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन? योर आंसर इज एंटर की. थर्ड वन, आई मूव द कर्सर अप. Which key move the cursor up? Answer is up arrow key. Fourth one, I erase letters, numbers and symbol to the left of the cursor. Which key erase letters, numbers and symbols from the left of the cursor? Your answer is backspace key.
Fifth one, I erase letters, numbers and symbols to the right of the cursor. Which key erase letters, numbers and symbol from the right of the cursor? Answer is delete key. Sixth one, after I am pressed, all letters you type appears in capitals. Which key is used to type all the letters in capitals? Answer is caps lock key. Seventh, if you want to type a capital letter, you have to first press and hold me down. Which key is used to type capital letters? First, we have to press and hold it down. Your answer is shift key, because जब हमें किसी कैपिटल लेटर्स को राइट डाउन करना है तब हम फर्स्ट शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करके रखते हैं, देन आफ्टर हम किसी भी लेटर को टाइप करते हैं जो हमें कैपिटल में राइट डाउन करना है. देन आफ्टर एट, आई मूव द कर्सर टू द राइट. विच की मूव द कर्सर टू द राइट? योर आंसर इज राइट एरो की. नेक्स्ट वन, टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वन, हाउ मेनी न्यूमेरिक की आर देयर ऑन द न्यूमेरिक कीपैड? देयर आर 10 न्यूमेरिक की ऑन न्यूमेरिक कीपैड. सो योर आंसर इज 10. सेकेंड वन, विच की हेल्प टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स? विच की यूज टू हेल्प टाइप इन कैपिटल लेटर्स? सो आंसर इज कैप्स लॉक की, because we use caps lock key on when we want to type capital letters. Third one, which key move the cursor to the next line? Which key is used to move cursor to the next line? Answer is enter key, because enter key move the cursor to the next line. Fourth one, how many alphabet keys are there? There are 26 alphabet keys on our keyboard. So answer is 26. Last question, answer in few words. First question is, what is a cursor? What is cursor? Small blinking line on the screen is called cursor. What is cursor? Small blinking line on the monitor screen is called cursor. Second one, which key help you to move the cursor on the monitor? Which key help us to move on the monitor screen? Arrow keys are used to move on the monitor screen. हमें arrow keys जो है हमारे keyboard में up, down, left and right, ये arrow keys हमें हमारी monitor screen पर move होने के लिए helpful होती है. Third one, you can use both the shift key and caps lock key to type capital letters. What is the difference between the two keys? हम shift key और caps lock key दोनों की का use capital letters type करने के लिए करते हैं, लेकिन दोनों keys के between difference क्या है? Using shift key we can type capital letter as we want, and using caps lock key we can type all letters in capital. जब हम shift key का use करना चाहते हैं, तब हम सिर्फ वही letters capital में write down कर सकते हैं जो हमें capitals में चाहिए. It means कि अगर हम कोई word लिख रहे हैं और उसका first letter ही हमें capital चाहिए, तब हम shift key को press करके hold करके रखेंगे, then after first लेटर टाइप करेंगे. इट मींस कि जो लेटर हमें कैपिटल में चाहिए उसको हम शिफ्ट की मदद से कैपिटल में राइट डाउन कर सकते हैं. एंड यूजिंग कैप्स लॉक की हम हमारी सारी टाइपिंग कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हैं. इट मींस कि अगर हमें हमारी सारी टाइपिंग कैपिटल में राइट डाउन करनी है, तब हम कैप्स लॉक की का यूज करते हैं. ओके, तो हमारा चैप्टर 6 इज ओवर.